हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल योर पर्सनल कंसिडर्ड में। सीबीएसई बोर्ड 2019 एग्जाम की बात करें, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड के साथ ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस न्यूज़ के बारे में पता चले। हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट है जिसका कोड है 002 और हिंदी कोर सब्जेक्ट है जिसका कोड नंबर है 302। इसके बारे में सीबीएसई ने बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स दी है, जो नोटिफिकेशन इशू की है सारे स्कूल्स को। चलते हैं सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे नोटिफिकेशन देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने उस नोटिफिकेशन में क्या कहा है। तो चलते हैं सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे cbse.nic.in पे। इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे इन फोकस में देखिएगा, आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे टॉप पे, असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क इन द सब्जेक्ट ऑफ हिंदी इलेक्टिव एंड हिंदी कोर फॉर क्लास 12th स्टूडेंट। इस पे क्लिक करेंगे, 18/12/2018 ये नोटिफिकेशन सारे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल को सेंड की गई है। इस नोटिफिकेशन में आपका हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर सब्जेक्ट क्लास 12 का प्रोजेक्ट वर्क के बारे में कहा गया है। जो आपका हिंदी इलेक्टिव 20 मार्क्स का है जो प्रोजेक्ट वर्क, और हिंदी कोर 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है, उसके बारे में कहा गया है। 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा होगा और 10 मार्क्स आपका इंटरनली स्कूल द्वारा होगा। ठीक है, टोटल 20 मार्क्स आपका होगा हिंदी इलेक्टिव में और हिंदी कोर में। 10 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जामिनर और 10 मार्क्स इंटरनली बाय द स्कूल। आपका जो रिजल्ट कैलकुलेशन होगा इसी बेसिस पे होगा, थ्योरी और प्रोजेक्ट वर्क सेपरेटली मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा, जिसमें आपको जो आपका प्रोजेक्ट प्लस एएसएल वर्क होगा 20 मार्क्स का, उसमें 33% पासिंग क्राइटेरिया है और थ्योरी में भी 33% पासिंग क्राइटेरिया है। दोनों को सेपरेट किया गया है, दोनों में अलग अलग आपको 33% किया गया है पासिंग क्राइटेरिया। ठीक है, ये नोटिफिकेशन फिर से मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है लिंक, इसको जरूर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी और कोई अदर इन्फॉर्मेशन आप अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। आई होप जो भी आपको मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो सीबीएसई बोर्ड ने ये नोटिफिकेशन इशू किया है सारे स्कूल्स को। इसके रिगार्डिंग कुछ और आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, आपके कमेंट के रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।